फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे, सेहतमंद, खुशहाल और सेफ होंगे। आज है 14 जनवरी, मतलब आज है संक्रांत, तो सबको हैप्पी संक्रांत। तो संक्रांत है तो फिर लड्डू तो बनने ही है तिल्ली के, और फिर चिक्की भी बननी है। तो मैंने सोचा चलो उसका रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं जो तरीके से तिल्ली के लड्डू और चिक्की बनाती हूँ उसका रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो अभी चलते किचन में। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी वाइट वाला तिल्ली है, एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है, और वही एक कटोरी के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे मूंगफली दाना लिया है। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो चल जाता है। बड़ा टेबल स्पून के हिसाब से मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। तिल्ली मेरी अनपॉलिश तिल्ली है और बस उसको मैंने एक बार चेक किया था, अब वो साफ़ सुथरी है तो ज़्यादा कुछ तिल्ली को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उसको थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, मतलब हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन नहीं रहे, और भूनने के बाद में उसका टेस्ट थोड़ा अलग और अच्छा आता है इसलिए। तो अभी इसे हम फर्स्ट भून लेंगे अच्छे से। और आप कोई भी एक कटोरी का मेजरमेंट रख सकते हो, छोटी भी कटोरी होगी तो उसी मेजरमेंट से आप बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई बड़ा ही कटोरी लो या छोटी कटोरी लो, तो उस हिसाब से मैं अभी ये तिल्ली जो है फ्राई करती जाऊँगी। यहाँ पे मेरी तिल्ली जो है अच्छी सी रोस्ट हो चुकी है, मतलब तिल्ली अभी ऐसे तड़तड़ उड़ने लगी है, तो समझ लेना तिल्ली हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मैंने गैस ऑफ कर लिया है और यहाँ पे एक कटोरी में मैं ये थोड़ा सा तिल्ली जो है वो साइड में निकाल के रखूँगी। आगे मैं आपको बताती क्यों मैंने इसको क्यों साइड में निकाला। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी तिल्ली जो है ठंडी हो चुकी है तो मैं इसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। दरदरा हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। मेरी तिल्ली थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं इसको दो लॉट में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से तिल्ली ग्राइंड हो चुकी है, दो लॉट में मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। अब थोड़ा मूँगफली दाना जो है इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अब उसी ग्राइंड किए हुए मूँगफली दाने में अब मैं एक कटोरी गुड़ ऐड कर दे रही हूँ और इसको हमें थोड़ा सा ग्राइंड जैसा करना है, मतलब घुमा लेना है, और उसी में मैं अभी घी भी ऐड कर दूंगी। अब ये तीनों चीज़ें हमें साथ में ही ग्राइंड कर लेनी है। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से ये तीनों चीज़ें साथ में ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं ये पूरा जो तिल्ली ग्राइंड की वो गुड़ मूंगफली दाना का मिश्रण एक ही इसमें बर्तन में निकालूंगी। जिस कढ़ाई में ना मैंने तिल्ली रोस्ट की थी उसी में ये मटेरियल जो है मैं डाल दे रही हूँ। जो तिल्ली मैंने पहले एक कटोरी थोड़ी देखिए साइड में निकाली थी वो मैं अभी यहाँ पे ऊपर से डाल रही हूँ, ताकि जो हम लड्डू बनाते हैं ना तो जो तिल्ली जो है ऊपर जो वाइट वाइट अच्छी दिखती है ना पूरी, तो वो अच्छी लगती है और खाने में भी दांत के नीचे जो उसका टेस्ट आता है वो बहुत सुंदर लगता है। इसलिए वो तिल्ली मैंने थोड़ा साइड में निकाली थी ताकि अभी वो काम आए। अब देखिए पूरा मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब देखिए उसके लड्डू कितना इजीली और फटाफट बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ये तिल्ली के लड्डू बन गए।
अब हम यहाँ बनाएंगे चिक्की, मतलब गुड़पट्टी की तैयारी करेंगे। एक कटोरी मैंने यहाँ पे मूंगफली दाना लिया है, थोड़ा सा कम है, आप चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हो। गुड़ भी मैंने एक कटोरी लिया है, थोड़ा सा एक चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है देसी, और एक कटोरी में आधा आधा कटोरी मैंने पानी लिया है, वो अभी आगे मैं आपको बताती कि मैंने वो पानी क्यों लिया है। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अभी हम इसमें देसी घी जो है वो एक चम्मच इसमें डाल देंगे। मेरा गुड़ है ना थोड़ा येलो कलर का है, इसलिए मेरे लड्डू और जो गुड़पट्टी है चिक्की है वो थोड़ा येल्लोइश दिख रही है, रेड नहीं दिख रही, या ब्राउन कलर की दिखती है ना चॉकलेटी टाइप, वो नहीं दिखेगी क्योंकि येल्लो पूरा एकदम येल्लो येल्लो गुड़ है ये, इसीलिए। तो अभी हमें इस स्टेज पे देखिए गुड़ मैंने पूरा कढ़ाई में डाल दिया, तो अब ये पूरा मेल्ट कर लेना है हमें। मैंने इसको थोड़ा सा नाइफ से ये गुड़ के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि बड़ा गुड़ रहता है तो फिर वो मेल्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसके टुकड़े कर लिए थे। अब कंटिन्यू मैं ये गुड़ जो है चलाती रहूँगी चम्मच इसमें, ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और हमें ये गुड़ जो है कम से कम 5 मिनट तक ही पका लेना है। और इसका हमें बिल्कुल एक तार वगैरह इस हिसाब से नहीं रखना है, हमें कम से कम इसको 2 बार चेक कर लेना है कि हमें चिक्की के लिए, गुड़पट्टी के लिए हमारा गुड़ कैसा चाहिए। देखिए ये जो पानी लिया था ना कटोरी में मैंने, इसके लिए हम अभी गुड़ चेक कर लेंगे। मतलब ये देखिए तो एकदम सॉफ्ट सा था ये, तो मतलब अभी हमारी चिक्की बनाने के लिए ये जो गुड़ की चाशनी है वो अभी तक पकी नहीं है, सही नहीं है। अब थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं इसको 2-4 सेकेंड, उसके बाद फिर चेक करेंगे। ये देखो अभी फिर चेक करेंगे, मैं अभी उसको साइड में रख रही हूँ। फिर भी देखिए ये कैसा खींचा खींचा जा रहा है, मतलब अभी भी ये रेडी नहीं हुआ। फिर 2-3 सेकेंड के लिए मैं और इसको पकाती जाऊँगी, और फिर थर्ड टाइम इसको फिर चेक करेंगे। ये देखिए अभी थर्ड टाइम हम चेक करेंगे, 2 सेकेंड थोड़ा सा टाइम साइड में रखती हूँ, तब तक इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए ये ऐसा टूटने का आवाज़ आ गया, मतलब हमारा जो चाशनी है वो सही बन गई है। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें मूंगफली दाना डाल दिया है। अब इस स्टेज पे मैं गैस 1-5 मिनट भी नहीं रखूँगी, 2-3 सेकंड के बाद मैं गैस में इसमें बंद कर दूँगी। थोड़ा सा मेरे पास तिल्ली थी तो मैंने और तिल्ली भी ये चिक्की में डाल दी, ताकि वो तिल्ली और थोड़ी अच्छी लगेगी। तो अब हमें जल्दी से ये जो बैटर है हमारा चिक्की का, वो हमें इस प्लेट में स्प्रेड कर लेना है। पहले मैंने प्लेट में थोड़ा सा घी अच्छे से लगा दिया था, और फिर अब देखिए ये जो बैटर है हमें फटाफट हाथ चलाते हुए ऐसा स्प्रेड करना है। ये स्पून से इस बैटर को बहुत ज़्यादा ऊपर से हमें घुमाना नहीं है, नहीं तो वो चिक्की में जो शाइनिंग आती है ना वो नहीं आती है, इसलिए फटाफट ये हमें बिल्कुल हल्के हाथ से कर लेना है, प्लेट में फैला देना है। अब ये थोड़ी सी गर्म है, तब भी मैं इसमें चाकू से इसमें कट लगा दूंगी, हमें जो साइज चाहिए उस साइज से मैं अभी ये चिक्की को कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने पूरी जो चिक्की है हमारी गुड़पट्टी कट कर ली, फिर ठंडे होने के बाद में देखिए मेरी जो गुड़पट्टी है इस तरह से बन गई है। मतलब आज संक्रांति के दिन मेरे ये दोनों भी चीज़ें इस तरह से मैंने रेडी कर ली है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बाय।